चलिए जी, स्वागत है। आज बहुत बड़ी खबर आई है उन अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार नई नई भर्तियों की खोज में रहते हैं। 12वीं पास हैं अगर आप, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। तो जैसे कि हालिया में आपने देखा कि किस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव रहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी इसको लेकर बड़ी सतर्कता, और एक तरह से आप देखिए कि किस तरह से चीज़ें बदलती हैं, वो इस जो है भर्ती के विज्ञापन से, अध्याचन से स्पेशली। विज्ञापन तो बहुत जल्दी आएगा, 81 पदों पर ये अध्याचन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास पहुंच गया है। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं और क्या क्या पेपर रहेगा, पूरी वीडियो पूरी डिटेल इस वीडियो पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो कार्बेट टाइगर रिजर्व में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उस टास्क फोर्स के लिए 81 अभ्यर्थियों की ज़रूरत है, ठीक है। आज क्या खबर आई है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, आज ही बड़ी खबर आई थी कि टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में होंगी भर्तियां। डॉक्टर धनंजय मोहन जो कि PCCF हैं, उन्होंने कहा था कि 81 पदों को लेकर अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास पहुंच गया है। मतलब ये जो भर्ती है ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा होगी और समूह ग की ये भर्ती होगी। 81 पदों पर ये अध्याचन वन विभाग की ओर से भेजा गया है। जी हाँ, हमने हालांकि आज हम इसके ऊपर एक आर्टिकल डाल रहे हैं और क्या क्या इसकी डिटेल क्वालिफिकेशन हो सकती है, हालांकि जो संभावित क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ और भी चेंजेस हो सकते हैं, क्यों होंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे में वहाँ सामान्य फॉरेस्ट गार्ड की जगह जो है विशेष ट्रेनिंग और तात्कालिक लैस कर्मचारियों की जो है वहाँ पर ज़रूरत है, और जो कि विशेष फोर्स का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने सुबह की वीडियो में भी बताया था कि वहाँ पर नॉर्मल फॉरेस्ट गार्ड हैं वो भी तैनात हो सकते थे, लेकिन जिस तरह से हालिया रिसेंट टाइम में वन विभाग में जो है बाघों के द्वारा तमाम अलग अलग तरह की घटनाएं हुई हैं और जिस तरह से उनके प्रोटेक्शन को लेकर सवाल उठे हैं बीच बीच में, याद हो आपको एक फॉरेस्ट गार्ड ने एक बाघिन के ऊपर आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन फायर कर दिया था, काफ़ी हो हल्ला उस वहाँ भी हुआ था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक विशेष जो टास्क फोर्स है उसका जो है यहाँ पर गठन किया जाएगा, और वो सामान्य जो फॉरेस्ट गार्ड होगा उससे बिल्कुल इतर होगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़े बहुत फिजिकल चेंजेस आपको भी जो एलिजिबिलिटी है वो आपको देखने को मिल सकती है इसमें, ठीक है। और लेकिन नए पद जो होंगे सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे। 81 पदों का अध्याचन जो है पहुंच गया है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास, और यह पद फॉरेस्ट गार्ड के समान ही होंगे, यानी कि जो इनकी सारी ग्रेड पे है, क्वालिफिकेशन है, सब कुछ आपको फॉरेस्ट गार्ड की तरह यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब आगे चलते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये फॉरेस्ट गार्ड की जो लास्ट भर्ती आई थी उसकी ये क्वालिफिकेशन है, जहाँ पर इंटरमीडिएट जो है यहाँ पर मांगी गई थी, यानी जो क्वालिफिकेशन है आपकी यहाँ पर इंटरमीडिएट जो है मांगी गई थी। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर कि ये स्पेशल टास्क फोर्स के तहत ये भर्तियाँ होंगी, तो यहाँ पर अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है या फिर सी कोई भी NCC का है तो स्वाभाविक बात है आपको प्रेफरेंस तो 100% इसमें मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है स्पेशल टास्क फोर्स और तकनीकी से जो है ये सारे जवान जो है तैनात होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि NCC वगैरह में भी इसी तरह के रहते हैं। चलिए अब शारीरिक अर्हताओं की अगर हम बात कर लेते हैं तो महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थी इसमें, हालांकि अभी यहाँ पर कहीं नहीं कहा गया है कि ये मेल अभ्यर्थियों के लिए है, लेकिन महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। महिलाओं की अगर हाइट की बात करेंगे तो 150 सेंटीमीटर और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं 163 सेंटीमीटर जो है इनकी जो है
हाइट होने वाली है, ठीक है। उसके अलावा चेस्ट की अगर बात करें तो वहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो चेस्ट एक्सपेंशन है 5 सेंटीमीटर की जो यहाँ पर विस्तार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप हिल से आते हैं, गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं या हिल स्टेशन जो भी आते हैं, वहाँ से आपको जो है इनमें हाइट में छूट मिलेगी। चाहे आप वो मेल कैंडिडेट हो तो 152 हो जाएगी 163 से, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं 150 से 145 हो जाएगी। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। और यहाँ पर मैं उन अभ्यर्थियों के लिए भी कहना चाहूँगा जो कि लगातार चाहे वो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आबकारी सिपाही परिवर्तन सिपाही का भी हाल ही में जिन्होंने फिजिकल दिया है, पुलिस कांस्टेबल जो आगामी आ रही भर्ती उसकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा अभी आपने देखा होगा तमाम और जो अभी आपकी और भी आई थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, लोक सेवा आयोग से, जो तमाम ऐसी जो भर्तियां हैं जिनमें फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली आगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें फिजिकल में और परिवर्तन हो सकता है। देखिए अब यहाँ पर दक्षता की अगर बात करें तो जो मेल अभ्यर्थी हैं उनको 25 किलोमीटर दौड़ना होगा अधिकतम 4 घंटे में, ठीक है। महिलाएँ हैं उनको जो है 14 किलोमीटर की जो है दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी, यानी कि जो मेल अभ्यर्थी हैं उनको 25 किलोमीटर और जो फीमेल अभ्यर्थी हैं उनको 14 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना पड़ेगा अगर 4 घंटे के अंदर दोनों, ठीक है। तो यह रही फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात। अगर आप आयु सीमा की अगर हम बात करेंगे बाद में, पहले हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स में बात कर लेते हैं क्या क्या यहाँ पर जो है चेंजेस होने वाले हैं या हो सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये सामान जो फॉरेस्ट गार्ड है उससे अलग होंगे, तो थोड़े से इसमें जो इनके जो फिजिकल स्टैंडर्ड हैं उनमें आपको 2-3 चीज़ें फिजिकल की एड ऑन होती हुई नज़र आ सकती हैं। जैसे आपने परिवर्तन सिपाही और तमाम जो है उसमें होता है, ठीक है, SI वगैरह में थोड़े से वो एड ऑन हो सकते हैं, क्योंकि इनमें जो फिजिकल इफिशियंसी है थोड़ी सी और बेटर मांग है, क्योंकि स्पेशल टास्क फोर्स है रादर देन सामान्य जो फॉरेस्ट गार्ड है, तो थोड़े से फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें एड ऑन होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। अभी फाइनल नोटिफिकेशन आना बाकी है, उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। उम्र सीमा की अगर बात करें तो 18 से लेकर 28 साल जो है नॉर्मल फॉरेस्ट गार्ड की होती है, तो वही इसमें जो है आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। उम्र सीमा इसमें ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र नहीं आएगी जैसे और पोस्टेज में होती है, क्योंकि जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स के जो पोस्टेज होते हैं उनमें न्यूनतम आयु आपको 18 से 28 ही देखने को मिलेगी, तो इससे ज़्यादा इसमें आपको देखने को नहीं मिल सकती, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद जो है फिजिकल होंगे, जिस तरह से आपने फॉरेस्ट गार्ड और तमाम और एग्जाम्स में देखे हैं, तो वही 100 नंबर का यहाँ पर होने वाला है जो अपडेटेड सिलेबस है आयोग का, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हो चाहे वो लोक सेवा आयोग का हो। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हो रही तो स्वाभाविक से बात है 100 नंबर का ही होगा, जिसमें आपको सामान्य हिंदी देखने को मिलेगी और सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन जो है आपको 40 नंबर का देखने को मिलेगा, 40 और 20 60 नंबर के हो गए, और जो 40 नंबर हैं आपको उत्तराखंड से देखने को मिलेंगे, यानी कि अच्छा खासा जो है रिटर्न होने वाला है साथ साथ फिजिकल के भी। तो बहुत एक कॉम्पैक्ट पैकेज वाली ये भर्ती होने वाली है, 81 पदों पर ये जो है भर्ती होगी। अब बात करते हैं कि कब ये भर्ती आएगी, तो जिस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल्द भर्ती करने के निर्देश दिए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये सितंबर के आसपास ये भर्ती देखने को मिल सकती है। हालांकि हम आज कोशिश कर रहे हैं या एक दिन में हमारी टीम कोशिश करेगी एक RTI इसके ऊपर फाइल की जाए कि क्या ये भर्ती है, कितने पद एक्चुअल में आए हैं, कैटेगरी वाइज कितने पद हैं और क्या क्वालिफिकेशन है। उम्मीद है अगर RTI का जवाब जल्दी हमारे पास आ जाता है तो हम सारी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। बाकी ये रही सारी डिटेल, काफ़ी अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, क्या हो सकती है, तो हमने ऊपर आपको ये सूचना देने की कोशिश की है। बाकी कोई और अपडेट हमारे पास आएगी तो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और हाँ
तैयारी बहुत स्ट्रांग किए रही है आप। आने वाले 6 महीने बहुत महत्वपूर्ण है, करीब 1000 से ऊपर पद जो है आपको देखने को मिलेंगे समूह गौ के उत्तराखंड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।